अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं सलमान टेक स्टूडियो यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंची रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी एप्लीकेशन को व्हाट्सएप के ज़रिए किसी दूसरे को कैसे भेज सकते हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो ऑडियो और इस तरह की चीज़ें तो आपने बहुत ज़्यादा भेजी होंगी, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे अपने फ्रेंड्स को या किसी भी को भी भेज सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे वो कैसे आप भेज सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। वो आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी, शायद मिल भी जाए, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से इसे डाउनलोड करना है। तो आपने सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यूसी ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है गेट्स मोड्स APK। जैसे आप ये सर्च करेंगे सबसे ऊपर वाली अपनी वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट खोलने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ES फाइल एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करने के बाद ये देखिए, ये पहली वाली जो है यहाँ पे इसने आपने ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो इस पर आपने डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड पर यस करेंगे, डाउनलोड करने के बाद नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे यहाँ ये देखिए लिखा हुआ डाउनलोड यूर मोड APK। थोड़ा सा आपने नीचे जाना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, गो टू डाउनलोड पेज। डाउनलोड पेज पर जैसे यस करेंगे इसके बाद इस एप्लीकेशन की 3-4 फॉर्म आपके सामने आ जाएंगे कि आपने कौन सी डाउनलोड करनी है। ये देखें ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो लिखा हुआ है, ES फाइल एक्सप्लोरर प्रो इसके वर्जन लिखे हुए हैं। आपने सिंपली ये दूसरे वाला जो है इसे यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो ये डाउनलोड का ऑप्शन मांग लेगा। ये देखें ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो गया ऊपर। तो मेरे पास डाउनलोड है तो मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद मैं इसे ओपन कर देता हूँ। मेरे पास डाउनलोड है, ये देखें ES फाइल एक्सप्लोरर, मैं इसे सिंपली ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इससे आपने यहाँ पे जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद जो भी एप्लीकेशन आप अपने दोस्त को सेंड करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये लोड हो रही हैं, जैसे ही लोड होती है मैं तो आपको बताता हूँ। तो सिंपली इसमें से कोई भी एप्लीकेशन जो आप सेंड करना चाहते हैं, मैं इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। आप इसे सिंपली यहाँ पर टैप करके रखेंगे तो ये देखें नीचे ऑप्शन आ गया शेयर का। शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जाने के बाद आपने जाना है व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद आप जिसको सेंड करना चाहते हैं, मैं अपने एक दोस्त को सेंड करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपने सिंपली इसे यस कर देना है। यस करने के बाद ये देखें ये सेंड होना शुरू हो चुकी है। ये आपके इंटरनेट स्पीड पर मुनसर है कि ये कितनी जल्दी हो जाती है। अगर आपके पास इंटरनेट ज़्यादा स्पीड का है तो ये जल्दी हो जाएगी, अगर कम है तो थोड़ा टाइम लेगी। तो ये देखें ये सेंड हो रही है, ये थोड़ा टाइम लेगी, तो इसके बाद ये सेंड हो जाएगी। ये देखें सेंड हो रही है। मैं भी आपको बताता हूँ कि ये देखें सेंड हो चुकी है। बिल्कुल एक आसानी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप किस तरह भी किसी भी एप्लीकेशन को जो भी एप्लीकेशन आप अपने दोस्त को सेंड करना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से इस तरह आप सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।